हेलो फ्रेंड्स, तो HTML सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं HTML का पार्ट 9, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वेब पेज। ओके फ्रेंड्स, तो इमेज को कैसे इंसर्ट करना है उसके लिए यहाँ पे दो प्रकार मैंने बताया है। पहले में तो आपको लोकेशन कॉपी पेस्ट करना होगा, फिर बैकस्लैश लगाकर image.jpg करना होगा। एक दूसरा रूल जो बहुत ही आसान रूल है, मैंने एज ट्रिक्स बताएंगे आपको कि जिसमें आपको बिना लोकेशन कॉपी किए आप इमेज को अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करके आपको पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज, क्योंकि हम इसके अंदर इमेज ही देखने वाले हैं। इसके बाद वीडियो टैग, ऑडियो टैग हम आगे देखेंगे, इमेज टैग। ओके, यहाँ पे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम आके प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको कैसे इमेज को इंसर्ट करना है अपने वेब पेज के अंदर। आपको डायरेक्ट दिखाते हैं इमेज टैग, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे img, इमेज टैग आ गया। इमेज टैग का जो एट्रीब्यूट मैंने बताया आपको src, उसके बाद हम src लगाते हैं इक्वल टू करके इनवर्टेड कॉमा में, यहाँ पर हम उस इमेज का नाम दे तो फोल्डर का नाम देंगे, क्योंकि मैंने फोल्डर के अंदर जो फोल्डर रखा है उसके अंदर इमेज रखा है, तो उसके फोल्डर का नाम देंगे हम मीडिया। मेरे फोल्डर का नाम मैंने दिया है इमेजेस मैंने दिया है। अब बैकस्लैश लगा के अपनी इमेज का नाम लिखेंगे, तो मेरे इमेज का नाम हम दे देते हैं Vasu2.jpg, ये मैंने इमेज का नाम रखा था अपने। अब इसके बाद इतना देने के बाद ये मेरा लोकेशन है जो हो गया। अब हाइट विड्थ सेट कर देते हैं, हाइट इक्वल्स टू यूनिटेड कॉमा में हम डाल देते हैं फ्रेंड्स 200px डाल देते हैं, और विड्थ को डाल देते हैं भी हम 200px। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो मैंने HTML फाइल क्रिएट किया है, इस फाइल को हमको उसी फोल्डर में सेव करना होगा जहाँ पे मैंने इमेज रखा है। तो उसके लिए हम आते हैं, सेव करना आप लोग को पता ही होगा, सेव करने के लिए आएंगे। अब हम यहाँ पे उस फोल्डर को ढूंढेंगे, तो मेरा फोल्डर ऐसे स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स, मेरा फोल्डर कहाँ है आप लोग पाथ अपना ढूंढ लेंगे अपने हिसाब से। ये रहा, देखिए मैंने HTML प्रैक्टिकल के नाम से ये फोल्डर क्रिएट किया है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के अंदर इसमें हम HTML प्रैक्टिकल को क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने दो फोल्डर क्रिएट किया है, एक इमेज के नाम से जिसके अंदर मैंने इमेज रखा है, दूसरा मीडिया के नाम से जिसके अंदर मैंने बाकी वीडियो ये सब रखा है, और ये सभी मेरे HTML फाइल्स हैं। ओके, यहीं पे हम इस फाइल को भी सेव करेंगे। ओके, तो इस फाइल का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं फ्रेंड्स माई वेब पेज, mywebpage.html के नाम से मैंने इसको यहीं पे सेव कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम रन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा Vasu2 के नाम से कोई इमेज नहीं था, Vasu1 के नाम से मेरा इमेज था। तो मैंने फोल्डर का नाम लिखा इमेज Vasu1 backslash Vasu1.jpg दे करके हम रन करते हैं इसको, तो देख सकते हैं यहाँ पर इमेज आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम दूसरा हाइट विड्थ भी देख लिए हैं फ्रेंड्स इसका सेट। हम इसका एट्रीब्यूट देखते हैं बॉर्डर, तो बॉर्डर फ्रेंड्स विच लगाने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे बॉर्डर इज इक्वल्स टू यूनिटेड कॉमा, बॉर्डर की वैल्यू हम कुछ दे देते हैं 3, 4, 5। ओके फ्रेंड्स, 4 देते हैं, रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि इमेज के चारों तरफ ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया जिसकी साइज 4 है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अब पता है आपको। इसके बाद फ्रेंड्स एक अल्ट नाम का जो होता है इसका एट्रीब्यूट, तो अल्ट नाम का एट्रीब्यूट हम दिखा देते हैं आपका इसका यूज क्या है। alt इज इक्वल टू यूनिटेड कॉमा में यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखना है समथिंग इज रॉन्ग। ये फ्रेंड्स कब यूज होता है, जब आपका लोकेशन SRC में जो मैंने लोकेशन दिया है या प्रॉपर नहीं है, कुछ ना कुछ गलत है, तब वहाँ पर वह अल्ट शो करता है। अल्ट में मैंने लिखा है समथिंग रॉन्ग, तो अभी तो फ्रेंड्स सब कुछ सही है, तो समथिंग रॉन्ग नहीं दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पर Vasu1 के जगह पे मैंने Vasu2 कर दूँ यहाँ पर, और इमेज अब रन करूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग इज रॉन्ग। तो आई होप आपको अल्ट का यूज भी समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सभी एट्रीब्यूट भी इमेज टैग के ख़त्म होते हैं, आई होप आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बिना फोल्डर का नाम लिखे
ये जो मैंने इमेज यहाँ पे लिखा है, अगर इमेज भी ना लिखूँ, केवल मैं वासु वन डॉट जे पी जी लिखूँ या फिर जो भी मैं कोई भी केवल इमेज का नाम डॉट जे पी जी लिख करके इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप आ जाते हैं यहाँ पे, दूसरा इमेज इंसर्ट करते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर इमेज img, यहाँ पे आ जाते हैं हम src डाल देते हैं, src इज इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे हम कोई नाम डाल देते हैं। जैसे मैंने एक मिनट पहले आपको समझा देते हैं हम ऐसा कैसे होगा। तो इसके लिए फोल्डर को मैंने कहाँ पे रखा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने इसी के अंदर मैंने html फाइल रखी है सब। ओके, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये मैंने इमेज नाम का फोल्डर बनाया है, ये दूसरा मीडिया नाम से फोल्डर बनाया है और इमेज नाम के ही फोल्डर, तो उसको भी हम दिखा देते हैं एक नया इमेज ला करके। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने दो नया इमेज ला के अभी अभी जस्ट रखा है जिसका नाम डॉट जी पी जी ये देख रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इतना लंबा हम नाम लिखने नहीं जाएंगे, इसको हम रीनेम कर देंगे। ओके, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, आ करके इसको हम रीनेम कर देते हैं। ये देखिए सबको हटा करके यहाँ पर हम विराट फोर लिख देते हैं, विराट फोर डॉट जे पी जी। ओके फ्रेंड, ओके कर देते हैं, तो ये विराट फोर डॉट जे पी जी हो जाएगा। आप हमको कुछ नहीं करना है, आ जाना है अपने सोर्स कोड के अंदर, इस सोर्स कोड में केवल लिख देना है विराट फोर डॉट जे पी जी। ओके फ्रेंड्स, विराट फोर डॉट जे पी जी करके इसके बाद करना कुछ नहीं, यहाँ पर बस हाइट विड्थ को सेट कर देना है फ्रेंड्स। ओके, हाइट इज इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमा में, हाइट इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में डाल देते हैं 300px और इसके बाद विड्थ डाल देते हैं इसका wadth विड्थ इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में 2px अरे 200px। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको कर देते हैं रन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली ये आ गया है। मैंने कोई लोकेशन नहीं दिया, बस फोटो का नाम डॉट जे पी जी दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको इतना ध्यान रखना है कि फोल्डर, एक ही फोल्डर के अंदर आपको एचटीएमएल फाइलें रखनी है और उसी में इमेज भी रखना है। अगर उसके अंदर फोल्डर रख रहे हैं तो उसके आगे आपको फोल्डर का नाम देना होगा, फिर डॉट जे पी जी इमेज नेम डॉट जे पी जी करना होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। दैट्स इट।